थोड़ी ही देर में शुरू होगा भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मुकाबला। वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पूरन ने किए इन दिग्गज खिलाड़ियों की टीम में वापसी, तो वहीं पर शिखर धवन ने घोषित की अपनी खतरनाक प्लेइंग 11। इस प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी टीम इंडिया मैदान पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल देव क्रिकेट में। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले पहले ओडीआई मुकाबले के लिए भारत और वेस्टइंडीज की प्लेइंग 11 का ऐलान हो चुका है, जहाँ पर दोनों टीमों में कई शानदार खिलाड़ियों को मौका मिला है और कई दिग्गज खिलाड़ियों को यहां पर आराम भी दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन कौन से खिलाड़ी इस मुकाबले में हमें खेलते हुए दिखेंगे, क्या रहने वाली है दोनों टीमों की रणनीति, और साथ ही इस मुकाबले को आप किस तरह से लाइव देख पाएंगे और यह मुकाबला कब शुरू होगा, इसके बारे में तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, यह सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के आखिर तक, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले को अपने नाम पर करे तो दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर उन खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें दोनों टीमों की स्क्वाड में जगह मिली है। तो टीम इंडिया की स्क्वाड में शिखर धवन टीम की कप्तानी करने वाले हैं, तो वहीं पर वाइस कैप्टन के रूप में रविंद्र जडेजा, इसके अलावा बल्लेबाजी में ऋतुराज गायकवाड़, सुमन गिल, दीपक हुड्डा, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, संजू सैमसन, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और हर्षदीप सिंह इस टीम का हिस्सा। यानी कि टीम इंडिया की स्क्वाड में कई शानदार खिलाड़ियों को मौका मिला है, खासकर यहाँ पर कई अनुभवी खिलाड़ी इस मुकाबले में हमें खेलते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन फिर भी यह टीम काफी शानदार फॉर्म में नजर आ रही है। वहीं पर दूसरी तरफ हम वेस्टइंडीज की टीम की बात करें तो वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से कप्तान निकोलस पूरन रहने वाले, तो इसके अलावा समर ब्रुक्स, ब्रेडन किंग, रोमन पावेल, किसी कार्टी, काइल मेयर्स, जेसन होल्डर, गुड्डा केस, मोती किमो, पॉल साई होप, अकील हुसैन, अलजरी जोसेफ और जेडन सिल्स इस टीम का हिस्सा है। यानी कि टीम काफ़ी शानदार फॉर्म में नजर आ रही है। हम बात करें पहले ओडीआई मुकाबले के लिए इंग्लैंड की टीम की प्लेइंग 11 की, तो इंग्लैंड की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करेंगे ब्रेडन किंग्स के साथ काइली मेयर्स, जो काफ़ी खतरनाक खिलाड़ी है और यहाँ पर शानदार फॉर्म में उतर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 3 पर कप्तान निकोलस पूरन उतरेंगे, जो टीम के लिए कप्तानी पारी के साथ साथ विकेट कीपर की भूमिका भी निभाते हुए दिखेंगे। तो नंबर 4 पर रोमन पावेल खेलते हुए दिखेंगे, वहीं नंबर 5 पर समर ब्रुक्स उतरेंगे, तो नंबर 6 पर जेसन होल्डर, वहीं नंबर 7 पर किसी कार्टी खेलते हुए दिखेंगे, तो नंबर 8 पर साई होप, तो नंबर 9 पर अकील हुसैन, नंबर 10 पर अलजरी जोसेफ, तो नंबर 11 पर जेडन सिल्स इस टीम की तरफ से उतरने वाले। यानी कि टीम काफ़ी शानदार फॉर्म में नजर आ रही है। वहीं पर दूसरी तरफ हम टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करें तो टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करेंगे शिखर धवन के साथ ईशान किशन। ईशान किशन का हालिया परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा है, तो वहीं पर शिखर धवन ने भी इंग्लैंड दौरे पर पहले ओडीआई मुकाबले में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया था, तो यहाँ पर भी ये दोनों खिलाड़ी एक शानदार फॉर्म में उतरते हुए टीम के लिए एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। तो नंबर 3 पर सुमन गिल उतरेंगे, तो नंबर 4 पर सूर्यकुमार यादव हमें खेलते हुए दिखेंगे, तो वहीं पर नंबर 5 पर दीपक हुड्डा उतरेंगे, तो नंबर 6 पर वाइस कैप्टन रविंद्र जडेजा हमें खेलते हुए दिखेंगे, जो टीम के लिए शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी की भूमिका निभा सकते हैं और इन्होंने पिछले मुकाबले में भी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाए हैं, तो यहाँ पर भी ये टीम के लिए एक बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज साबित हो सकते हैं। वहीं नंबर 7 पर इस टीम की तरफ से शार्दुल ठाकुर उतरेंगे, तो नंबर 8 पर अक्षर पटेल, वहीं नंबर 9 पर प्रसिद्ध कृष्णा, तो नंबर 10 पर युजवेंद्र चहल, वहीं नंबर 11 पर डेथ ओवर में एक शानदार यॉर्कर खिलाड़ी हर्षदीप सिंह खेलते हुए दिखेंगे। यानी कि टीम इंडिया में कई शानदार बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद है, जो यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं, खास करके यहाँ पर गेंदबाजी में अक्षर पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा, युजवेंद्र चहल और हर्षदीप सिंह जैसे बड़े नाम शामिल है, तो वहीं पर बल्लेबाजी में भी शिखर धवन, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा और रविंद्र जडेजा जैसे एक बेहतरीन बल्लेबाज भी इस टीम के पास मौजूद है, जो यहाँ पर काफ़ी शानदार फॉर्म में उतर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करें इस मुकाबले की, तो यह मुकाबला खेला जाएगा 22 जुलाई को, जो कि पार्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद में खेला जाएगा और यह मुकाबला शुरू होगा भारतीय समयानुसार शाम को 7 बजे और इस मुकाबले को आप लाइव देख पाएंगे सोनी लिव ऐप और सोनी 6 पर, साथ ही इसे जियो टीवी पर भी आप लाइव देख पाएंगे। तो दोस्तों, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, टीम इंडिया इस प्लेइंग 11 के साथ पहले ओडीआई मुकाबले में बेहतरीन जीत दर्ज कर सकती है, या फिर पहले ओडीआई मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कौन से बड़े बदलाव करने चाहिए, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।